अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी मुसलमानों को किन किन लोगों को ज़कात देना ज़रूरी होता है। पहला, गरीबों को, जो जिसके पास घर नहीं होता, खाना नहीं होता, उनको आप ज़कात दें, वो वाजिब है। सेकंड, द नीडी, जिसके पास घर होता है पर खाने पीने का जो सामान होता है, जो नीड का, जो ज़रूरत का सामान होता है, उनके पास नहीं होता है, उन्हें आप ज़कात दें। थर्ड, द कलेक्टर, जो कलेक्ट करते हैं ज़कात, जैसे घर के बाहर कई मुसलमान भाइयों आते हैं और कलेक्ट करते हैं ज़कात, उन्हें दें, वो अपने लिए और कई मुसलमानों के लिए वो मदद करते हैं। फोर्थ, द न्यू कन्वर्टर्स, जो नॉन मुस्लिम होते हैं और वो मुस्लिम बन जाते हैं, वो मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें आप ज़कात दें, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होता है इस्लाम के बारे में और ज़कात के बारे में। फिफ्थ, द ट्रैवलर्स, जो ट्रैवल करते हैं, जो सफ़र करते हैं, पर उनके लिए सफ़र का जो सामान होता है, ज़रूरत के सामान होते हैं, उनके पास अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उनको आप ज़कात दें, वो वाजिब है। और वो मुसलमान भी जो अपने घर का लोन और जो डेब्ट होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसे नहीं दे पाते, उनको भी आप ज़कात दें, वो वाजिब है। जब हम ज़कात देते हैं तो सोचते हैं कि सिर्फ गरीबों को दें जिसका घर नहीं, उन्हें भी ज़कात देना वाजिब है, पर इन लोगों को भी आप ज़कात दें, वो फ़र्ज़ है, वाजिब है। प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।